पंडित जी, बहुत बार गुलाब के इत्र का पूजा उपासना उपयोग किया जाता है, इसका ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, पूजा उपासना में हम पांच तरह की चीज़ें मुख्यतः अर्पित करते हैं। उसमें एक चीज़ सुगंध भी होती है, और देवी देवता की पूजा उपासना में ज़्यादातर चंदन की सुगंध या गुलाब की सुगंध अर्पित की जाती है। गुलाब का इत्र या गुलाब की सुगंध पूजा उपासना में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? दीपावली पर जब आप पूजा करेंगे तो देवी को, माता लक्ष्मी को सुगंध अर्पित करना विशेष शुभ होता है। लेकिन हर तरह के इत्र, हर तरह की सुगंध अर्पित नहीं की जा सकती। हल्की सुगंध वाला गुलाब का इत्र अगर आप रुई में लगा करके माता लक्ष्मी को अर्पित करते हैं और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी को धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र, ये सब तो आप अर्पित करते ही हैं, लेकिन साथ में हल्की सुगंध वाला गुलाब का इत्र भी रुई में लगा करके माता लक्ष्मी को आपको अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आपको विशेष रूप से प्राप्त होगी। लेकिन इसका उपयोग कैसे करना चाहिए? देखिए, एक तरीका तो ये है कि आप अलग अलग चीजें माता लक्ष्मी को अर्पित कर रहे हैं, उसी में आपने रुई में गुलाब का इत्र लगाया और माता लक्ष्मी को अर्पित कर दिया। एक तरीका तो ये है, गुलाब के इत्र का दीपावली पर विशेष प्रयोग कैसे करेंगे? दीपावली के दिन एक बड़ी शीशी गुलाब का इत्र मां लक्ष्मी को अर्पित करिएगा। पूजा के दौरान इसी शीशी में से जरा सा इत्र रुई में लगा करके मां लक्ष्मी को अर्पित करेंगे, और अगले दिन सुबह इस इत्र को उठा करके अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। रोज सुबह स्नान के बाद इसको आप लगाइएगा, आपको धन का अभाव नहीं होगा। यानी इत्र की एक शीशी ले आइए, उसमें से जरा सा इत्र मां लक्ष्मी को अर्पित करिए। इत्र की शीशी रात भर पूजा स्थान पर रहने दीजिए, अगले दिन सुबह इसको उठा करके अपने पास सुरक्षित रख लीजिए, और नियमित रूप से सुबह के समय स्नान करने के बाद इस इत्र को लगाइए। आपकी आकर्षण क्षमता बढ़ेगी और सामान्यतः आपको धन का अभाव नहीं होगा। पंडित जी, कौड़ी का महत्व क्या है? कौड़ी अर्पिता, पहले जमाने में जब सिक्के नहीं थे, क्वाइंस नहीं थे, तो कौड़ी का इस्तेमाल भी पैसों रुपयों की तरह होता था कि चार कौड़ी की चीजें हैं, दो कौड़ी की चीजें हैं। कौड़ी का भी एक मतलब तो पैसा रुपया होता ही है। इसका महत्व क्या है पहले ये समझते हैं। देखिए, कौड़ी एक समुद्री जीव का खोल है। धन प्राप्ति के लिए और धन के रूप में इसका प्रयोग प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। प्राचीन काल से धन की प्राप्ति करने के लिए और धन के रूप में कौड़ी का प्रयोग हम करते चले आ रहे हैं। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को कौड़ी अर्पित करने से या पूजा में अगर आप कौड़ी का प्रयोग करते हैं तो इससे आपके विवाह की बाधाएं दूर होती हैं। कौड़ी का प्रयोग करने का एक विशेष तरीका है, एक विशेष सिस्टम है। जब आप उस तरीके से, उस सिस्टम से कौड़ी का प्रयोग करते हैं तो कौड़ी का प्रयोग करने से विशेष तरह के फायदे, विशेष तरह के लाभ आपको जीवन में प्राप्त होते हैं।
तो दिवाली पर पंडित जी कौड़ी का प्रयोग अगर करें तो कैसे करें? वैसे तो कौड़ी का प्रयोग साल भर में बहुत बार हम करते हैं, पूजा उपासना के लिए, विशेष तरह की कामनाओं की पूर्ति के लिए। लेकिन दीपावली में जब हम कौड़ी का प्रयोग करते हैं तो उसके फायदे बहुत जल्दी होते हैं, बहुत क्विक होते हैं। दीपावली पर कौड़ी का प्रयोग कैसे करेंगे? अगर घर में किसी के विवाह में बाधा आ रही हो, किसी की शादी ना हो पा रही हो, तो कौड़ी का विशेष प्रयोग करना चाहिए। 9 कौड़ियां ले लें, इसको घी में डुबा करके मां लक्ष्मी को अर्पित करें, यानी एक एक कौड़ी में जरा जरा सा घी लगा करके इस 9 कौड़ी को मां लक्ष्मी को अर्पित करिएगा और रात भर ये कौड़ियां मां लक्ष्मी के चरणों में पूजा स्थान पर पड़ी रहेंगी। अगले दिन सुबह लाल कपड़े में सारी कौड़ियों को बांध लें। इसके बाद इसको मुख्य द्वार के चौखट पर लटका दीजिएगा। अगर मुख्य द्वार में चौखट नहीं है तो दरवाजे के हैंडल से लटका दीजिएगा। अगर आप ऐसा उपाय करें तो इससे आपका विवाह या आपके परिवार में अगर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है तो उसका विवाह शीघ्र हो जाएगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।